हेलो स्टूडेंट, जेई मेन 2024 के स्टूडेंट हो, जेई मेन 2024 के एग्जाम देने वाले हो, तो यार ये बात बहुत जानना जरूरी है कि यार कुछ ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम में ना उन टॉपिक्स से सवाल जरूर आते हैं। तो यार ऐसे टॉपिक्स मैंने यार ट्रेंडिंग ढूंढे हैं, तो यार आप लोग के लिए मैं लेके आऊंगा, ठीक है। तो यार अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, उस पर आपको ना अभी के अभी मैं टॉपिक बताऊंगा, आपको उस पर ना सवाल कर लेना है, सब कुछ देख लेना है। उसके ना प्रीवियस ईयर में हर साल सवाल आते हैं। तो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक टॉपिक होता है किंग रूल। अब यार बोलोगे सर किंग रूल तो मुझे आता है, तो यार बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यार इससे इस टॉपिक से ना एक सवाल आपके शिफ्ट में पड़ सकते हैं। तो देखो ये होता है किंग रूल, आपको दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो यार ये जादू है, किंग रूल बहुत जगह पर मदद करता है। तो ये बहुत ही बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्यों? क्योंकि यार इससे ना चार क्वेश्चन जो है ना पर सेशन में देखने मिलते हैं। यार आप सोच रहे हो इस टॉपिक से पूरे के पूरे चार मतलब एक सेशन में चार क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, अगर जनवरी सेशन में इस टॉपिक से चार सवाल आ रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई, एक चैप्टर से चार सवाल नहीं आ रहे, एक टॉपिक में से चार सवाल आ रहे हैं, एक टॉपिक पे चार सवाल बन जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सोचो टॉपिक ट्रेंडिंग है बहुत ज्यादा, तो ऐसे टॉपिक में क्या पता आपको आपके सेशन में एग्जाम में आ जाए ऐसा सवाल। तो प्लीज इसको जो है करके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आता हूं जिसपे सवाल आते हैं। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो एंड करता हूं, थैंक यू।